जिलाधिकारी के विजयन पांजन के निर्देशानुसार शुक्रवार को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सार्थक डायग्नोस्टिक सेंटर निकट कूड़ाघाट काली मंदिर गोरखपुर का जांच किया गया। जांच के दौरान सेंटर पर दो व्यक्ति मौजूद मिले। पूछताछ के दौरान वह सेंटर से भाग निकले। जांच के समय दो रोगी जांच कराने के लिए सेंटर में बैठे थे। सेंटर के निरीक्षण के समय अल्ट्रासाउंड मशीन क्रियाशील पाई गई और पैथोलॉजी में भी सक्रिय पाई गई। स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम द्वारा उक्त सेंटर को मौके पर सील कर दिया गया। साथ ही संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी संस्तुतित की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया। हाँ, हमें कुछ गोपनीय शिकायतें मिल रही थीं एक सार्थक पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर के बारे में, जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। और दो तरह से शिकायतें आई थीं, व्यक्तिगत भी आई थीं और गोपनीय शिकायतें भी आई थीं। तो उसी के संदर्भ में हमने टीम भेज के वहाँ जांच कराया, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन भी पाई गई और पीछे उसके पैथोलॉजी सेंटर भी चल रहा था। और अल्ट्रासाउंड मशीन के आधार पे उसको सील किया गया कि जब कोई परमिशन नहीं तो आप अल्ट्रासाउंड कैसे कर रहे हैं। और 6 अल्ट्रासाउंड के करीब उन्होंने सुबह से किया भी था और 2 लोग ऐसे बैठे थे जो टीम के पहुँचते ही भाग गए। तो ये जितनी भी अवैधानिक रूप से अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं और वहाँ पे फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो रहा है, ये शिकायतें जैसे ही मिलेंगी हम इसी तरह गोपनीय तरीके से उनके यहाँ छापे डलवाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो कन्या भ्रूण हत्या है, ये बहुत बड़ा अपराध है और ये सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को चाहिए कि इस तरह की कोई भी कृत्य ना करें, अपने को रजिस्टर कराएं और कहीं भी सेक्स डिटर्मिनेशन की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, अन्यथा कार्रवाई होती रहेगी। सर, इनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा? बिल्कुल, इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा, मुकदमा चलता है और अरेस्ट भी होती है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाती है।